क्योंकि जो सरकार और ये जो मीडिया में दावा किया जा रहा है कि सब कुछ फ्री हो जाएगा, 90% जनता को तो पहले से ही फ्री मिल रहा है। डीजी जो चाहता है वो चाहता है कि मुझे इमरजेंसी में अच्छा ट्रीटमेंट मिले, उसको इससे मतलब नहीं होता कि उसको फ्री ट्रीटमेंट मिले। सरकार क्या कर रही है कि फ्री ट्रीटमेंट के देने के चक्कर में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की गुणवत्ता को घटाना चाह रही है। सरकार बाद में जैसे अन्नपूर्णा रसोई में जैसे 8 रुपए में खाना खिलाती है, सरकार सबको बोल देगी, 5 स्टार वाले को भी बोलती है कि भाई आप इसको 8,000 पे कर देना, ढाबे वाले को भी बोलती है 8,000। तो ये कि सिर की गंभीर चोट का इन्होंने पैकेज कोड बनाया है 1,000 रुपए प्रतिदिन। सुपरिटेंडेंट साहब SMS के उन्होंने कहा था कि चिरंजीवी में जो दर निर्धारित की गई है उस पे हिंदुस्तान भर की सभी कंपनियों ने पेसमेकर SMS को देने के लिए मना कर दिया है। अभी एक खबर आपने और पढ़ी होगी, उसके बाद में SMS पेसमेकर नहीं खरीद पाया, एक नामी अखबार पत्रिका ने ये न्यूज छापी है। और आदरणीय, अगर हम उस चीज में काम में सर्वाइव ही नहीं कर सकते इन रेट्स में, इन नियम कानूनों में, तो हम क्या करेंगे? आपके हॉस्पिटल को जबरदस्ती ये नहीं कहा जाए कि हार्ट के मरीज को उठा करके और हार्ट के हॉस्पिटल तक तू ही छोड़ गया। एक सिंपल क्लिनिक जो है उसके पास कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होती, और इस बिल के अंदर आपने एक क्लिनिक को भी कवर कर रखा है। तो हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, इस बिल में ऐसा क्या है जिस कारण डॉक्टर्स को हड़ताल करनी पड़ रही है? देखिए सर, ये जो बिल है ये न तो मरीज के फायदे का है, हमारे लिए परेशानी, रोज रोज का झगड़ा, रोज रोज का मरीज से विवाद पैदा करने वाला है। मरीज को फायदा इसलिए नहीं है इस बिल से क्योंकि जो सरकार और ये जो मीडिया में दावा किया जा रहा है कि सब कुछ फ्री हो जाएगा, 90% जनता को तो पहले से ही फ्री मिल रहा है चिरंजीवी योजना के माध्यम से, RGHS के माध्यम से, तो नया क्या फ्री दे रहे हैं आप? और हमारा झगड़ा ये है कि इस तरह का संदेश आपने जनता को दे दिया, तो हम जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन आज चिरंजीवी वगैरह में हम क्या करते हैं, मरीज को भर्ती करने से पहले कुछ रूटीन जांचें और ये सब कराते हैं। अब आपने ये कह दिया कि फ्री है, तो वो जांचें भी वो कहेगा कि आप ही कराओ। इसलिए मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये बिल जो सरकार ला रही है पूर्णतया असंवैधानिक और अव्यवहारिक है। अब वो मैं कैसे आपको समझाता हूँ कि सरकारी करेगी, हम इसमें इमरजेंसी को फ्री करवाना चाहते हैं, जबकि आप देखें तो सबसे ज्यादा जो चिकित्सक एक्सपर्टनेस की जरूरत होती है वो इमरजेंसी में ही होती है। तो इमरजेंसी को सरकार कैसे डिफाइन करेगी कि इमरजेंसी है या नहीं है? नहीं, बात वो नहीं है। मैं एक बार आपको मरीज का पक्ष समझाना चाहता हूँ कि मरीज जो चाहता है वो चाहता है कि मुझे इमरजेंसी में अच्छा ट्रीटमेंट मिले, उसको इससे मतलब नहीं होता कि उसको फ्री ट्रीटमेंट मिले। सरकार क्या कर रही है कि फ्री ट्रीटमेंट के देने के चक्कर में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की गुणवत्ता को घटाना चाह रही है, क्योंकि जब आप फ्री ट्रीटमेंट का आप किसी के ऊपर बाउंडेशन डाल देंगे तो वो जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए उसको जो गुणवत्ता चाहिए वो गुणवत्ता वो हॉस्पिटल कैसे मेंटेन करेगा, आप मुझे ये समझाइए। मान लीजिए कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है जिसके अंदर पेशेंट बहुत हाईली अनस्टेबल्ड है, अब उसको ICU की भी जरूरत है, उसको उसमें हो सकता है कई डिपार्टमेंट्स की सर्जरी की भी जरूरत हो, मल्टी लेवल सर्जरी की जरूरत हो, ब्लड चाहिए। सरकार ने तो उसमें एक कोड बना दिया कि भाई हम तो इस सर्जरी का 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, पर उस केस में हो सकता है कि उसके लाख का भी खर्चा हो जाए। सरकार ने उसके पैकेज को, उसकी कॉस्ट को लिमिटाइज करके उसके ट्रीटमेंट की क्वालिटी को भी लिमिटाइज कर दी। हमारा ऑब्जेक्शन इसी बात पर है। जैसे मैं इसको एक दूसरे संदर्भ से समझाना चाहूंगा आपको, जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, अगर सरकार ये नियम बना दे कि भाई आप किसी भी पास के ढाबा रेस्टोरेंट होटल 5-स्टार होटल में खाना खाने चले जाओ और फिर हम आपको उसका पेमेंट करेंगे, अब उसमें खाने में उसने क्या खाना खाया, कितने रुपए का खाना खाया है, जहां खाना खाया है उसकी कितनी, उसका कितना खर्चा है, उसका कितना बिल बनना चाहिए, तो इस तरीके से कोई डेफिनेशन नहीं है। सरकार बाद में जैसे अन्नपूर्णा रसोई में जैसे 8 रुपए में खाना खिलाती है, सरकार सबको बोल देगी, 5 स्टार वाले को भी बोलती है कि भाई आप इसको 8,000 पे कर देना, ढाबे वाले को भी बोलती है 8,000। तो ये मरीज और जो हॉस्पिटल और जो डॉक्टर के रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देगा ये बिल। दूसरा, इमरजेंसी का इसके अंदर डेफिनेशन नहीं है। इमरजेंसी एक ऐसा वर्ड है जिसको आम आदमी का जो सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक है वो भी परिभाषित नहीं कर सकता, तो इस परिभाषा की कमी की वजह से रोजाना झगड़े होंगे। हर मरीज अपने आप को इमरजेंसी बताने की कोशिश करेगा और हर डॉक्टर को ये लगेगा कि इमरजेंसी नहीं है, और इमरजेंसी में इमरजेंसी जो रूम है ER रूम उसके अंदर डेली झगड़े होंगे, तो ये दोनों के विश्वास को कम करेगा, ये मेरा मानना है। देखिए, हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति आता ही इसलिए है कि उसको एक अच्छा इलाज मिले। प्राइवेट की आज USP जो है वो उसका अच्छा इलाज है, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस है। ऐसा नहीं है कि आज शहर में सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, आपको हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में सरकारी हॉस्पिटल मिल जाएंगे, पर उसको पता है कि वहां उसको इतनी भीड़ मिलेगी उसकी, उसको क्वालिटी ऑफ सर्विस, उसको टाइमली जो ट्रीटमेंट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। आज प्राइवेट हॉस्पिटल अपना एक सिंबल बना चुका है, सिंबल ऑफ गुड ट्रीटमेंट का,
सिंबल ऑफ क्वालिटी सर्विस का, उसको पता है कि आज मैं इस हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे वहाँ दावे से ट्रीटमेंट मिलेगा, तो आप क्यों उस पेशेंट से वो ट्रीटमेंट छीनना चाहते हैं, क्यों उसके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? हमारा ऑब्जेक्शन उस पेशेंट के लिए है। आप हमें सीमाओं में बांधना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम आपके चाहे आप कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दें, हम आपको वही जो हमारे अभी साथी बंधु ने बताया कि 8 रुपये इंदौर रसोई का हम आपको जमा करा देंगे, तो आप खुद समझिए क्या ये संभव है? आज ये हॉस्पिटल जो इतनी अच्छी सर्विसेज उपलब्ध करवा रहा है, राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स अवेलेबल करवा रहा है, जो कि डॉक्टर्स 15-15 साल अपना पढ़ाई में निकालता है, उसके बाद एक अनुभव प्राप्त करता है, उसके बाद जिम्मेदारी के साथ अपने पेशेंट का इलाज करता है, उसके आप ये कह रहे हैं कि भाई आप इसका हम जो ट्रीटमेंट का आप जो कॉस्ट है वो आप नहीं ले सकते, हम जो बताएंगे वो आप लेंगे, तो क्या सीएम साहब कह रहे हैं एक्ट जनहित में है, डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, पहली बात तो ये है कि सीएम साहब डॉक्टर्स से कोई भी वार्ता करने के मूड में नहीं है। दूसरी, बार बार सीएम साहब कह रहे हैं कि मैं केवल इमरजेंसी को कवर करना चाह रहा हूं और लोगों की जान बचाना चाह रहा हूं। जान बचाने की बात यह है कि ये जो जिन बीमारियों के नाम ले रहे हैं इसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, स्नैक बाइट, इन बीमारियों के बारे में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा ताकि जनता भी समझ पाए। ये बीमारियाँ और इनके पैकेज पहले से ही चिरंजीवी में उपलब्ध हैं, लेकिन क्योंकि पहले बंदिशें नहीं थी तो लोग इन बीमारियों का इलाज नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे उसको आगे बताता हूँ मैं आपको। अब कानून ला करके वो पाबंदी लगाना चाह रहे हैं कि नहीं, मजबूरन आपको ये करना पड़ेगा। दो बीमारियां हैं इनके बारे में बात करते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इनके ब्यूरोक्रेट्स ने और तथाकथित चिकित्सकों का दल जो ये कहते हैं वो आज तक हमें तो कहीं दिखाई दिया नहीं है। इन्होंने सीवियर हेड इंजरी, सभी जनता समझ रही होगी कि सिर की गंभीर चोट का इन्होंने पैकेज कोड बनाया है 1000 रुपये प्रतिदिन, चाहे वो वेंटिलेटर पर हो, चाहे उसको कितनी ही दवाइयों की ज़रूरत हो, चाहे उसको और किसी प्रोसीजर की आवश्यकता हो। अब 1000 रुपये में तो SMS जहाँ फ्री डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, सुविधाएं हैं, बिजली फ्री है, वो भी नहीं कर सकते। 1000 का मतलब है वो जो बार बार ये पुनर्भरण की बात कर रहे हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ताकि जनता समझे, क्योंकि ये वही पुनर्भरण राशि है जो आपको आगे सीएम साहब के यहाँ से लिस्ट में मिल जाएगी। दूसरी बात करते हैं हम स्नैक बाइट की, लगाने के बाद स्नैक बाइट की वायल पहले तो अभी तो मिलती नहीं है, थोड़ी समस्या के साथ वो उपलब्ध हो पाती है अस्पतालों को। दूसरा क्या है कि उसकी एक वायल की खरीद है 650 रुपये, ये मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, आप अगर पता करेंगे SMS में आप एक लगा दीजिए RTI, आपको पता लग जाएगा कि लाइफलाइन पे 650 रुपये के लगभग एक वायल आ रही है। एक स्नैक बाइट का जो मरीज है उसको लगभग ये 15 से 30 तक भी लग सकती हैं एक बार में, 24 घंटे में लगेंगी ये 650 रुपये प्रतिदिन। उसका कोड इन्होंने बनाया है 1700 रुपये का, 1700 रुपये का बना करके एक मजाक है, मरीज ट्रांसपोर्टेशन में मारा जाएगा, डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों ने मेरे से ये भी पूछा कि पहले भी डॉक्टर्स की शिकायतें आई हैं, दिव्या मदेरणा जी ने भी बहुत हो हंगामा मचाया था अभी विधानसभा में थोड़े दिन पहले जोधपुर के केस को लेकर के, कि ये कोड चिरंजीवी में उपलब्ध है फिर भी उसका इलाज नहीं किया अस्पताल ने, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई थी उन्होंने। अभी एक खबर आपने और पढ़ी होगी उसके बाद में, SMS पेसमेकर नहीं खरीद पाया, एक नामी अखबार पत्रिका ने ये न्यूज़ छापी है और आदरणीय सुपरिटेंडेंट साहब SMS के, उन्होंने कहा था कि चिरंजीवी में जो दर निर्धारित की गई है उस पे हिंदुस्तान भर की सभी कंपनियों ने पेसमेकर SMS को देने के लिए मना कर दिया है। जब SMS जैसा हॉस्पिटल जिसके पास सरकार का पावर भी है वो एक पेसमेकर नहीं खरीद पाया उस दर में, तो आप सोचो कि प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ से खरीद पाएगा, और फिर आप अपेक्षा करोगे कि वो खरीद करके और उसको लगा भी दे और मरीज को ठीक करके दवाई दे के घर भी भेजे, तो ये लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। मंत्री साहब कह रहे हैं कि बिल किसी भी कीमत पे वापस नहीं होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि सरकार एक हठ धर्मिता के ऊपर उतर आई है। सरकार को अब 6 महीने बाद चुनाव में उतरना है, उनको अपने 4 साल के कार्यों पे भरोसा नहीं था, इसलिए उनको एक अपने लिए गेम चेंजर बिल लाना था। अब चाहे वो गेम चेंजर बिल व्यवहार से परे हो, प्रासंगिकता से परे हो, चाहे असंवैधानिक हो, चाहे किसी के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की तर्ज पे बनाया जाए, चाहे उसके मरीज का हित प्रभावित हो रहा हो, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार को केवल अपनी एक वाहवाही लूटनी थी, क्योंकि उनको पता है 6 महीने में हम बिल भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, अभी तक उन्होंने कोई इसके लिए बजट निर्धारित नहीं किया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का चुनावी प्रोपेगेंडा है। इसलिए जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि हम इस बिल को बिल्कुल किसी भी हालत में हम इसको वापस नहीं लेंगे। मरीज परेशान हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन?
सर देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आम आदमी को जो स्वास्थ्य सेवाएं सुविधा मुहैया कराने का जिम्मेदारी सरकार की सरकारी तंत्र की होती है। हम प्राइवेट क्षेत्र में मैक्सिमम 99% लोग अपनी मेहनत से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और अपना काम करते हैं, बट अगर हम उस चीज़ में काम में सर्वाइव ही नहीं कर सकते इन रेट्स में, इन नियम कानूनों में, तो हम क्या करेंगे? क्या जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी निजी चिकित्सक को दी हुई है या सरकार या राजनीतिक लोग कुछ नहीं करें? अगर सरकार या राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि जनता की सेवा करनी चाहिए तो वो खुद अपना अस्पताल खोले, उसको चलाएं और सब लोगों का इलाज करें। मरीजों से हमारी भी सहानुभूति है, मरीजों से हमारा पैसे का संबंध नहीं होता, एक मानवता का संबंध होता है, व्यावहारिक संबंध होता है, इमोशनल रिलेशन होते हैं। वो खराब होते तो हमें बुरा लगता है, पर हमारे साथ हमारे पास चारा क्या है? अगर सरकार को ये सब कर चलना है तो अपने सरकारी सिस्टम में बनाए, उसी को तरह चलाए और लोगों को उसका लाभ पहुंचाए। अब मैं आपको एक बात, तो हड़ताल कब तक आपको उम्मीद लग रही है कि हड़ताल खत्म हो जाएगी? सर सरकार अगर अड़ियल रवैया अपनाएगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कैसे इसका संभव हो पाएगा। बाकी हमारी मांगे जेन्युइन है, हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे पेशेंट्स के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे प्रोफेशन के लिए लड़ रहे हैं। भाई जब हम हमारे पेशेंट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे तो हम क्यों उनकी मांगे माने? आज हम चाहते हैं कि हम उसको एक राइटफुल डिलीवरी दे पाए अपने पेशेंट को। हम अगर उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे तो हमारा इस प्रोफेशन में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अभी हमने देखा डॉक्टर्स ने हड़ताल के दौरान ठेले लगाए, पानी पतासी बेची, नींबू पानी बेचा, तो फिर आपको क्या लग रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आने वाले समय में डॉक्टर्स को मतलब अपने हॉस्पिटल्स बंद करके? सर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं, वो बाहर के दौरे छोड़ करके उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले वो यहाँ आकर के और बड़े ही अपने दिल में चिकित्सकों को जगह देते हुए हमारे एसोसिएशन के ग्रुप को बुलाए, लेकिन मिले तो वो स्वयं टाइम दे हमें। भाई ये तो है नहीं, हम सचिवालय में तो ये कमी किसकी लग रही है? सीएम की लग रही, साहब की लग रही है या हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से लग रही है? बड़ी कमी है सरकार की मानसिकता की। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि सरकार एक, मुझे लगता है कि सर मुख्यमंत्री जी तक या तो ब्यूरोक्रेट्स और उनके जो और जो पार्टी के जो लोकल नेता हैं और भी कई हैं वो बात पहुंचने नहीं दे रहे हैं। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वार्ता के अंदर रोड़ा बन रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पहले भी जो वार्ताएं हुई उनके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने मनमर्जी से जो समझौते के जो प्रारूप बनाता उन्होंने छेड़खानी करी है और अब भी वो कर रहे हैं। तो मेरे राय में इसके अंदर मुख्यमंत्री महोदय की बजाय ये जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं इन लोगों ने रास्ते में रोड़ा अटक रखा है। तो आपको लग रहा है कि अगर सीएम साहब तक हमारी पूरी बात पहुंचे तो सीएम साहब हमें इनवाइट करेंगे बात के लिए? हाँ, और सीएम हमें विश्वास है और सीएम साहब अगर इनवाइट करेंगे तो हम जाएंगे और हम वार्ता करेंगे, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई आइडियल रवैया नहीं है। आपके जनता दरबार चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि बड़ा दिल दिखाते हुए चिकित्सकों के दल को बुलाएं और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बिल में क्या क्या विसंगतियाँ हैं उन्हें अगर एक बार वो ध्यान से सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि शायद वापस से वो इस बिल को मंगवा करके इसको एक बार पुनः स्वयं देखना जरूर चाहेंगे कि चिकित्सक सही कह रहे हैं। अगर वो इसके पुनर्भरण राशि को चेक करेंगे, इसके कानूनों को चेक करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की जो जिम्मेदारियाँ सरकार चिकित्सालयों पर डालना चाहती है इसके बारे में समझेंगे, स्पेशलिटी के बारे में समझेंगे कि आँख के हॉस्पिटल क्यों जबरदस्ती ये नहीं कहा जाए कि हार्ट के मरीज को उठा करके और हार्ट के हॉस्पिटल तक तू ही छोड़ गया। भाई अगर वो ट्रांसपोर्टेशन में एम्बुलेंस का ही काम करने लग जाएगा तो फिर आपके मरीजों को कौन देखेगा? तो ये समझो, दो चीजों को सरकार को विशेष रूप से इसमें एड्रेस करना है कि एक तो आप जो मॉरल ड्यूटीज हैं उनको आप लीगल ड्यूटीज नहीं बना सकते। आज रोड पे मैं आपको एक उदाहरण देके देता हूं, अगर रोड पे मान लो एक्सीडेंट हो जाता है तो आज उसके पास में जितने भी लोग हैं उन सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उसको उठा के अस्पताल ले जाए, पर आप इसको लीगली बाउंड नहीं कर सकते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉरल ड्यूटी एंड लीगल ड्यूटीज। तो सरकार क्या कर रही है कि जो हमारी मॉरल ड्यूटीज हैं, हमें एम्बुलेंस फ्री में पहुंचाना चाहिए तो पहुंचाते ही है, पर आज हमारे पास अगर एम्बुलेंस ही नहीं तो हम कहां से पहुंचाएंगे? हम क्या उसके लिए अलग से ड्राइवर रखें, उसके लिए उसका मंथली उसका ड्राइवर को पेमेंट करें? जो एक सिंपल क्लिनिक जो है उसके पास कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होती और इस बिल के अंदर आपने एक क्लिनिक को भी कवर कर रखा है, आपने 50 बेडेड से छोटे हॉस्पिटल्स को भी कवर रखा है। आप मान लो एक साथ 10 इमरजेंसी आ जाए तो मैं 10 के साथ कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा जब इतने बड़े सरकारी अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम पड़ जाता है? तो उन मास कैजुअलिटी में उस सिंगल हॉस्पिटल का जो बिल्कुल जिनके छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका क्या आप समझते हैं वो जस्टिफाई कर पाएंगे? आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए हम कोई रणनीतिकार नहीं है, हम कोई राजनीतिकार नहीं है, हम एक आम चिकित्सक हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो ड्यूटीज हैं हम उनको फुलफिल राइटफुली कर पाएं और हम उसी के लिए हम सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे अधिकार, हमारे मरीज के अधिकार के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आप जो विरोध कर रहे हैं आगे भी धीरे चलकर बढ़ के उग्र होगा या जो अभी कर रहे हैं आप वैसे चलेगा? ये कहना सर अभी मुश्किल है, हम तो चाहते हैं कि ये विरोध आगे चले ही नहीं। मुख्यमंत्री जी चाहें तो आज ही बुला लें
हमारे दल के साथ बैठें, उनसे बात करें, उनकी चीज़ों को समझें, बिल की विसंगतियों के बारे में थोड़ा सा भी अगर वो हमें समय दें तो मुझे लगता है कि वो आज ही बुला करके और अधिकारियों को कह देंगे कि बिल को वापस मंगवाओ, इसको हम रिव्यू करेंगे। और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए हम निजी चिकित्सक हैं ना, यहाँ पर कोई सैलराइड पर्सन है, हम यहाँ हमारा इलाज मतलब मरीज का इलाज करते हैं और हमारी रोजी रोटी कमाते हैं। हम आप सोचिए कि इतने दिनों से बैठे हैं, हमारा कुछ का फाइनेंशियल लॉस है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो फाइनेंशियल लॉस को झेलते हुए भी संघर्ष करेगा, बट हमारी मजबूरी है ना, हम इस संघर्ष को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी बस यही मांग है मुख्यमंत्री महोदय से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमें बुलाएं, हम वार्ता के लिए तैयार हैं और हमारी बात सुने। कहते हैं मैंने आपके पहले के भी कई देखे हैं आपके विषय है, और आप हमेशा ऐसे मुद्दों पर गंभीरता से आप लोग उठाते हैं, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जनता की तरफ से, हमारे आम चिकित्सकों की तरफ से, क्योंकि आप लोग एक जनता और सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं, और इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद सर।